यीशु हमारे विश्वास को पुरस्कार देते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आत्मदर्शन टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और जय यीशु। आज हम लोग सन्मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 1-8 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि कुछ लोग अर्धांग रोगी को खाट पर लिटाकर यीशु के पास लेकर आते हैं। सवाल उठता है कि वे लोग अर्धांग रोगी को खाट पर लिटाकर क्यों यीशु के पास लेकर आते हैं। इसका उत्तर साफ है, उन्हें यीशु पर विश्वास था कि यीशु इस अर्धांग रोगी को चंगा करेगा, क्योंकि उन्होंने यीशु के विषय में सुना था और यीशु के चमत्कार पूर्ण कार्य को देखा भी था, और इसी विश्वास को लेकर वे लोग अर्धांग रोगी को यीशु के पास लेकर आते हैं और यीशु उनके विश्वास को पुरस्कार देते हैं। वचन कहता है, उनके विश्वास को देखकर ही यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा। अर्थात यीशु के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें विश्वास की आवश्यकता होती है, और जब हम उस विश्वास को लेकर हम यीशु के पास आते हैं तो यीशु उस विश्वास को उत्तर देते हैं। और वचन आगे कहता है, ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ यीशु के पास पहुंचते हैं तो हमें शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करता है। ये दोनों चंगाई यीशु स्वयं हमें प्रदान करता है। हम लोग वचन में देखते हैं, वचन कहता है, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वे लोग अर्धांग रोगी को शारीरिक स्वस्थ लाभ के लिए यीशु के पास लेकर आते हैं, और उनके विश्वास को देखकर यीशु सबसे पहले उसे आध्यात्मिक चंगाई देते हैं। उनके पापों को यीशु पहले साफ कर देते हैं, उनके पापों को यीशु सबसे पहले क्षमा करते हैं, और इस प्रकार से देखते हैं कि यीशु सबसे पहले अर्धांग रोगी के आध्यात्मिक जीवन को चंगाई देते हैं और फिर शारीरिक रूप से भी चंगाई देते हैं। वचन कहता है, तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। यह वचन इस बात का साक्ष्य है कि जब हम लोग अपने विश्वास को लेकर यीशु के पास किसी भी परिस्थिति में आते हैं तो वह हमें चंगाई प्रदान करता है। आज के सुसमाचार पर जब हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, हम लोग प्रभु से वरदान मांगे कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी दुख कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं और जो भी कष्टों से हम घिरे हुए हैं, हम प्रभु के पास दौड़ कर आए, हम प्रभु के पास पूर्ण विश्वास लेकर उसके पास आए, प्रभु हमारे सुन लेगा, प्रभु हमारे विश्वास को पुरस्कार प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब भी हम अपने दुख कष्टों में घिरे रहते हैं और तेरे पास पूर्ण विश्वास लेकर आते हैं, प्रभु तू हमारी दुहाई को सुन, और इसके साथ ही साथ ना केवल हमें शारीरिक चंगाई प्रदान कर बल्कि प्रभु हमें आत्मिक चंगाई प्रदान कर, ताकि हम अपने विश्वास को पूर्ण रूप से तुझ पर प्रकट कर सके। आमीन।